आखिर सुबह के कम टाइम में लंच बॉक्स बनाने के लिए मैं कैसे शॉर्टकट्स अपनाती हूँ, इस वीडियो में आपको वही देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटो लिए हैं, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के, थोड़ा सा लहसुन डाल के मैं इन टमाटरों को डाल दूँगी और इन्हें पकने के लिए छोड़ दूँगी ढककर, ताकि इनका अच्छे से ये पील ऑफ हो जाए और पक जाए। बस कुछ नहीं करना है, हल्का सा नमक डाल देना है और इन्हें ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। बीच में हम एक बार टर्न कर लेंगे। और एक साइड में मैं बना रही हूँ सत्तू। तो आज का मेन्यू है सत्तू का पराठा और टमाटर की चटनी। तो यहाँ सत्तू के बाद मैंने उसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक, अजवाइन, कलौंजी, सबको क्रश करके मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। तो अब सत्तू बनाना मुश्किल होता है कब, जब आप इसमें लहसुन को छीलोगे, उसके बाद उसे बारीक काटोगे, प्याज को काटोगे, ये सब प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। लेकिन मैं लेती हूँ शॉर्टकट। मैं यहाँ पील ऑफ किए हुए लहसुन को, हरी मिर्ची को, और यहाँ पे मैं एक आधा प्याज ले लेती हूँ। मीडियम साइज़ है तो आधा प्याज ही लें, और अगर छोटे साइज़ का प्याज है तो एक ले लें। तो यहाँ पे मैं प्याज, हरी धनिया को लेके पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेती हूँ, जिससे क्या होता है इसका पेस्ट भी नहीं बनता है और ये ग्राइंडिंग में बहुत बारीक अच्छे से पिस जाते हैं। बस पल्स मोड पे बस एक बार चलाना है और रुक जाना है। और उसके बाद सबको ऐड करने के बाद यहाँ मैं 1 से 1.5 यहाँ पे नींबू डाल दूँगी। तो सत्तू का जब भी ये बनाए, आप स्टफिंग बनाए, तो उसमें नींबू अच्छे से डालें, नींबू का ही स्वाद सबसे अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू पहले ऐड किया था, उसके बाद 1/2 लेमन मैंने फिर से ऐड कर दिया था। तो ये देखिए हमारा सत्तू स्टफिंग के लिए रेडी है, टमाटर भी पक गए हैं। अब इस मोड पे थोड़ा सा हम लहसुन को पहले निकाल लेंगे। तो जब तक हमारा टमाटर ठंडा होता है, तब तक हम पराठे भी बना लेते हैं स्टफिंग किए हुए। तो यहाँ पे आज का मेन्यू यही है लंच बॉक्स में। मैंने आधे घंटे में ये पूरा प्रिपरेशन करके मैंने लंच बॉक्स पैक कर दिया था। तो है ना बिल्कुल शॉर्टकट, आप एक बार बना के ट्राई करिएगा आपको कितना टाइम लगता है चॉपिंग करने के साथ। और मैंने यहाँ पे ग्राइंडिंग के साथ सब चॉपिंग करा और उसके बाद स्टफिंग कर दिया, और टेस्ट लाजवाब लगता है, कोई डिफरेंस नहीं। और जब भी आप स्टफिंग करें ना, थोड़ा सा आटा काट ले ऊपर से, नहीं तो ऊपर वाला चीज़ ना थोड़ा आटा ज़्यादा लगता है, अगर काट लेंगे तो पराठे आपकी इवेनली और बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब चलिए बेल लेते हैं सुबह सुबह के पराठे। सुबह नाश्ते में पराठे मिल जाए सत्तू के या आलू के, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो अब दोनों साइड से हम लोग इसको सेक लेंगे और टमाटर ठंडा होगा, उसके बाद उसकी चटनी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे घी से 1 by 1 करके सारे पराठे को सेक ले रही हूँ, और दोनों हस्बैंड को, बेटे को यही लंच बॉक्स में दूंगी। पराठे सिक जाने के बाद टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब इन्हें पील ऑफ कर लेते हैं। ऊपर के जितने भी बस पतले पतले छिलके होते हैं वो निकाल लेंगे, जो कि पक गए हैं। अब टमाटर को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्राई किए हुए लहसुन को, जो मैंने पहले थोड़े से पहले निकाल लिया था टमाटर से, और यहाँ पे एक बॉयल्ड पोटैटो मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक, बस और कुछ नहीं। बस इसको भी पल्स मोड पे चला लेना है और बन गई टमाटर की चटनी मज़ेदार वाली। और इसमें कुछ नहीं ऐड करना है, आप बस थोड़ा सा ग्रीन चिली ऐड कर दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रीन चिली बहुत पसंद है टमाटर की चटनी के साथ। मेरे बेटा तो नहीं खाएगा ये, उसको केचप के साथ दूंगी, क्योंकि वो पराठे वराठे ये सब चीज़ों के साथ नहीं पसंद करता है। तो जलते हैं, जल्दी से फटाफट लंच बॉक्स पैक भी कर देते हैं। तो यहाँ टमाटर की चटनी पैक कर दिया मैंने, और मैंने जो आलू के पराठे बनाए थे हस्बैंड के लिए पैक कर दिया। तो कैसी लगी आपको ये क्विक शॉर्टकट वाली रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।